गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, YouTube के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरीश कुमार भाटी और बेसिक की सीरीज में वीडियो नंबर 20 और एल्जेब्रा की सीरीज में ये वीडियो नंबर 5। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल विथ बाइनोमियल। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पे आऊंगा कि बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ कैसे होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, ट्राइनोमियल तीन टर्म और पॉलीनोमियल फोर और मोर देन फोर टर्म को हम पॉलीनोमियल कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको मैं एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ। मेरे स्टेप्स ध्यान से देखिए और प्लस माइनस की साइन कैसे रखनी है वो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे 4x प्लस 2y और 2m माइनस 4p इक्वेशन दिया हुआ है। तो मैं पहले क्या करूंगा, इस 4x को ये पूरा ब्रैकेट दे देता हूं। तो ये 4x के साथ ये पूरा ब्रैकेट चला गया और यहाँ पे जो साइन होती है वही साइन आपको यहाँ पे रख देनी है। फिर अब मैं 2y को ये पूरा ब्रैकेट दे देता हूँ। अब तो ये कैसा हो गया, मोनोमियल विथ बाइनोमियल। तो जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में किया था, नंबर को अंदर लेके जाएंगे, 4 2 8, m इंटू एक्स इंटू एम एम एक्स, 4 4 16, एक्स इंटू पी एक्स पी। 4 के आगे प्लस की साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये अंदर जाएगा, 2 2 4 वाई एम और 2 4 8 वाई पी। यहां पे प्लस कुछ नहीं है तो प्लस 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 माइनस माइनस। आपको चेक कर लेना है इसमें से कोई भी टर्म लाइक टर्म तो नहीं है ना। देखो एक भी टर्म लाइक टर्म नहीं हो रहा है तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे ही छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर थोड़े से मैंने माइनस के साइन ज्यादा रखे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। टू एम माइनस टू पी फोर एक्स माइनस फोर वाई। पहले मैं इसको पूरा ब्रैकेट दे देता हूं, 2m 4x माइनस 4y, फिर ये साइन एज इट इज आपको यहां पे रखनी है, 2p 4x माइनस 4y। अब ये पूरा नंबर अंदर जाएगा, 2 4 8 mx प्लस माइनस माइनस 2 4 8 एम इंटू वाई एम वाई माइनस प्लस माइनस 2 4 8 पी इंटू एक्स पी एक्स माइनस माइनस प्लस 2 4 8 पी इंटू वाई पी वाई। आपको चेक कर लेना है कोई भी लाइक टर्म तो नहीं हो रहा है ना, कोई भी लाइक टर्म नहीं हो रहा है इसीलिए ये एज इट इज यही आपका आंसर होगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन वही का वही होता है मगर बीच में आपको एक साइन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन आपको दिखने में वैसा का वैसा ही लगेगा। चलो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, यहां पे कुछ नहीं दिया था मल्टीप्लाई मान लेना है, नहीं यहां पे माइनस ले लिया है। तो
आपको एक रूल सिखाया था, 2m माइनस 2p आ जाएगा नीचे, ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन होने से ब्रैकेट के सारे एलिमेंट्स की साइन चेंज हो जाएगी, 4x प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा। चेक कर लेना है कोई लाइक टर्म है या नहीं, एक भी टर्म लाइक टर्म नहीं है, मतलब ये अनलाइक है, और अनलाइक में आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही, आशा करते हैं जो कुछ भी समझाया है वो आपको समझ में आया है, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हमारे वीडियो को कंटिन्यू लगातार देखते रहिए ताकि आपका एलजेब्रा का जो सीरीज़ है वो कम्प्लीटली आपको आ जाए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। मैं हो सकता है मैं सारी की सारी छोटी से छोटी बातों का भी वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो की लेंथ हो सके इतनी छोटी कर रहा हूँ ताकि आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में आपको सारे कुछ कंटेंट, सारे कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। वीडियो देखने से पहले आप उनके थंबनेल को चेक कीजिए, उनके जो थंबनेल के ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो आपको चेक करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको वो वीडियो इजीली देखने में और पिक करने में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।